ये लो जी, सबको सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग। और आज मिस्त्री वाला काम तो पूरा फिनिश हो गया, आपको पता ही है। और अभी जो मैंने दिखाया है ये वगैरह जो क्लिप बना ली पहले मैंने, सामान की मतलब फिटिंग का काम होना है, लाइट फिटिंग और पानी फिटिंग। तो ये वाले स्विच जो इनके अंदर बीच में स्टील का साल दिख रहा है ना, ये अच्छा लग रहा है, सुंदर सा, इसलिए मैंने यही सामान लिया है। और बाकी आप कमेंट करके बताना कैसे के हैं कैसे क्या नहीं है। आज ये काम स्टार्ट हो जाता है और फिर देखते हैं कब फिनिश होता है अपना पूरा कंप्लीट। और ये लेके जाता हूँ मैं इधर अपने पुण्य ट्रेडर्स सूरजगढ़ रोड पे है ना, बाईपास के पहले, यहीं से लेता हूँ। क्योंकि फर्स्ट टाइम काफ़ी दिन पहले एक बार जब फर्स्ट टाइम आए थे तभी थोड़ा सा अच्छा लगा, सही रेट लगाया न कोई फालतू की वो, इसलिए फिर मैंने यहीं से स्टार्ट कर दिया। दूसरी जगह पूछते नहीं यार, कहाँ कहाँ पूछे, कितनी जगह पूछेंगे उतनी जगह वो मिलेगा। तो एक जगह आकर के सुकून से आराम से लेकर के चले जाओ, चलो चलते हैं घर। इधर भी आ सकती है, इधर भी जा सकती है, बस ठुठी मेरी बटी कितनी महंगी महंगी आई है ना, लगी हुई देखी थी आज पहली बार खरीदी है तो पता लगे यार सच में कितने इतने महंगी आई। और सेम इसी ठुठे यार उस दिन मैं नवीन माता दिन गया ना तेरे सुकून डाली डाली तीन तीन चार चार हजार में वो तो शोरूम देख के आए थे। हाँ शोरूम मैंने लॉन्ग चार हजार देख कर जब भी मेरे प्लान कैंसिल होगा वो पंद्रह को वहाँ डबल, लेकिन फिर यह सही मिलेगी देख लो। तो जी इतना महंगा है, मतलब सबसे ज्यादा अगर महंगा किसी उसमें है ना फील्ड में तो घर बनाने वाले में है ना, सब ज्यादा महंगा है, आदमी बर्बाद हो जाए घर बनाते बनाते। लोग नु कहा करता ब्याह करनो हंसी खेल को नहीं, लेकिन घर बनानो हंसी खेल को नहीं है ना। ब्याह फेर भी हो जाए दस पंद्रह लाख में बढ़िया जी बढ़िया सल्ट जा है कि नहीं, लेकिन घर नहीं बनाए इतना ही कर लगे। यो हाल है, यो के सामान है एक थैला का मैं आ गूं दस आइटम ही रण का ही कितना मान गया भाई। और मैं जो लेबर वर्क कर रहे हो ना, मतलब जैसे यो भाई है फिटिंग वाला काम में है कि कोई इनकम नहीं, और जो ये कंपनी जो बना के बेच रही है ना ये ले रही है मेरी मिट्टी पैसा छुट्टी का। ये कह रहे हो वाशर गेट दियो पाछो मोहन देखिए आएगी बने ये बड़ी जो जगह हो ना कवर कर ले जो ना उतर मैं ग्रेनेड कटेगो ग्रेनेड कटेगो तो यो देखिए ये तो आना है मैं लगा हां यो के ग्रेनाइट काटना पड़ेगा मैंने ये पाएंगे मेरे लिए मैंने ना थोड़ा सा हम गोलाई में ही कर लेंगे कर ले बाद में यार कर लेंगे। ग्रेनाइट तो थार ग्रेनाइट लो बीच काट दोगे है ना, बाद में डाल दो तो ग्रेनाइट काटना पड़ेगा बाद में के छोटी छोटी साफ फिक्स करने ना सुन लो मतलब लगाने लगाने से तो लगा या फिर ये जो ना दिखा को फुटियोड़िया एनी टाइम बारह रुपए वस्त्र गाल तो दिया है ये। अभी बहुत जल्दी एक बहुत खास शादी में अपने को जाना है और चेहरा की जो है रंगत एकदम खत्म हो गई है, क्योंकि अभी कितने दिन तक मजदूरी का काम किया इनके मिस्त्रियों के साथ में धूप में, इसलिए वो पूरा एकदम खराब हो गया चेहरा। तो अभी करेंगे अपन ये वाला फेशियल। और फेशियल करने वाला दूसरा कोई नहीं है अपने मैं हूं श्रीमती जी। ये है मोमार्थ का ऑक्टन फेशियल किट विद टर्मरिक एंड सैफ्रन फॉर ग्लोइंग स्किन के लिए। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, हर स्किन पर सूट करता है और इसमें 6 स्टेप है, सिंगल यूज किट है ठीक है। दो बार हो जाएगी सिंगल यूज, सिंगल यूज हाँ सिंगल यूज किट है।
तो चलिए फिर कर लेते हैं फेशियल। तो ये है मम्मा अर्थ का उबटन फेशियल किट विद टर्मरिक एंड सैफ्रॉन, जो कि ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। शर्मा जी मेरे लिए ये लेकर आए थे, और वेडिंग और फेस्टिव सीजन में हमें ये नेचुरल ग्लो देता है। ये जो है ना, एक ब्राइड और ग्रूम जो होते हैं ना, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं उनकी वेडिंग के ऊपर, मतलब जब शादी होती है उनकी जब। और ये हमारी स्किन को प्योरीफाई करता है और एक नेचुरल ग्लो देता है। और उबटन जो है ना, वो हमारी माँ दादी जो है ना, वो बहुत टाइम से इस्तेमाल करते आए हैं। और ये वाला जो उबटन है, इसमें हल्दी और केसर की जो अच्छाइयाँ होती हैं, उनके साथ साथ में क्लींजिंग मिल्क हमें मिलता है, फेस स्क्रब मिलता है जो कि हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, और साथ ही साथ क्लींजिंग मिल्क जो होता है ना, हमारी स्किन की डीप क्लीनिंग करता है। और इसके साथ में होता है हमारी स्किन को सूथिंग जेल होता है, जो कि हमारी स्किन को हाइड्रेट करेगा। मसाज क्रीम जो है, वो हमारी स्किन का ब्लड सर्कुलेशन जो है ना, उसको बना के रखेगी, इम्प्रूव करेगी। और साथ ही साथ में होता है इसमें एक फेस मास्क, जो हमारी स्किन को करता है ब्राइट। और फाइनली हमारी जो स्किन है ना, वो इस फेस्टिव सीजन में, वेडिंग सीजन में बहुत ही ब्राइट और स्मूथ है, एंड पैराबिन, टॉक्सिन्स और केमिकल्स से फ्री भी हो जाती है हमारी स्किन। तो यहाँ पर क्लींजिंग मिल्क के बाद में, फेस स्क्रब करने के बाद में सूथिंग जेल जो है ना, वो अप्लाई हो रहा है। अभी हमें इसको 5 से 10 मिनट के लिए मसाज करना है, फिर उसके बाद में एक गीले कपड़े से इसको पोंछ देना है। उसके बाद में हम फेस मास्क जो है उसको अप्लाई करेंगे, और 15 मिनट के लिए उसको छोड़ेंगे, सूखने देंगे, धो लेंगे। और लास्ट में हम अपनी स्किन पर जो उबटन रेडियंस एंड ग्लो क्रीम जो है ना, वो अप्लाई कर लेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि ये उबटन फेशियल किट आपको कहाँ पर मिलेगा, तो आपको मिलेगा ये अमेजॉन, नायका, फ्लिपकार्ट, पर्पल पर, जिन सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। इसके साथ ही आपको ये ममा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप दोनों पर मिल जाएगा, आप वो भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कूपन कोड भी दिया है, जिस पर आपको मिलेगी 20% की एक्स्ट्रा छूट, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं तो। और ममा अर्थ की सबसे अच्छी बात है कि ममा अर्थ से जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो ममा अर्थ जो है वो आपके ऑर्डर को लिंक कर देता है वेबसाइट से, और वहाँ पर आपके ऑर्डर के नाम से एक प्लांट लगाया जाता है। 2025 तक ममा अर्थ का एम है कि 1 मिलियन प्लांट वो लगाने वाला है। ममा अर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव है, वो रिसाइकिल करते हैं बहुत ज़्यादा प्लास्टिक, जितना वो यूज करते हैं उससे भी ज़्यादा। तो जी, आ चुका है शर्मा जी के चेहरे पर शादी वाले ग्लो। और हाँ, एक बात और, अगर आपको अपने नियर बाई किसी भी स्टोर पर ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं लास्ट में जाते जाते आप लोगों को बताना चाहूँगी, मेरा कूपन कोड जो कि अभी आपको स्क्रीन पर प्ले होते दिख रहा है, ये ममा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप दोनों पर वैलिड होता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने लिए ऑर्डर कीजिएगा, फटाफट से शादी वाला ग्लो लाइएगा अभी, क्योंकि वेडिंग सीजन चलने वाला है, क्योंकि ये आपकी स्किन जो है ना, उसकी ब्राइटनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा और टैनिंग को रिमूव करेगा, जेंटली एक्सफोलिएट करेगा। और ये फ्री है पैराबिन से, टॉक्सिन से और केमिकल से। जी देख लो, अभी कर लिया है मेकअप, साकअप सब कुछ एकदम, मतलब वो अब नहाऊंगा, ना करके नहाते टाइम तो वो शैम्पू वगैरह साबुन वगैरह कुछ नहीं लगाना, आज सिंपल पानी से डालना है, क्योंकि ये जब करते हैं तो वो नहीं लगाते ना साबुन वगैरह, नहीं तो असर कम हो जाएगा, फिर गोरे गोरे नहीं लगेंगे, है ना शिवांश। और अभी मतलब वो जो परसों वीडियो गया था अरुण जी का और रेनू का, उसके ऊपर संदीप डांगी जी का भाई कमेंट आया था, बहुत सारे कमेंट आए कि हाँ शर्मा जी बहुत अच्छा, ऐसे वैसे बहुत मेहनत की, रंग लाए। तो संदीप डांगी जी की का कमेंट था, उनकी आईडी है, वो कह रहे थे मतलब उनका इसलिए अच्छा लगा कि उनकी भी मतलब हालात एकदम ख़राब बता रहे थे, बाद में उनके भाई पढ़ लिख करके जॉब लग गए। तो बोलो ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि इंसान के पास पैसा चाहे न हो, लेकिन बच्चों की एजुकेशन में पैसा लगाना चाहिए, मेहनत करवानी चाहिए, ताकि आगे जा करके वो सफल हो जाएं। और वैसे ये भी था एक शर्मा जी का भी, पंडित जी का भी, कि मेरे जब छोटे बड़े भाई की शादी होगी तो आप सबको बुलाएंगे और आप ही फेरे करवाओगे, तो इसलिए बता दिया भाई, हाँ वहाँ भी चलेंगे अपन। और हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल गया, एक कमेंट और था कि वो तो बहुत ज़्यादा खतरनाक था, नाम तो मेरे को याद नहीं है, मैंने अभी देखा है वो आपसी जा करके, कि क्योंकि स्क्रीनशॉट ले रखा था, वो कमेंट भी उनका है संदीप डांगी जी का ही, कि शर्मा जी जब तक आप मजाक मजाक में रेनो की इंसल्ट करना बंद नहीं करोगे, तब तक ये मुझे ऐसे रहेगी, जिस दिन बंद कर दोगे तो अपने आप ऐसी हो जाएगी। तो जी ये बात तो देखो गलत है, मजाक नहीं करेंगे तो ये तो नहीं है कि मुझे अपने आप सीधी हो जाएंगी। बाकी और
ऐसी कोई बात नहीं है, मजाक में इंसल्ट नहीं, ऐसे ही मजाक उजाक में इधर उधर ऐसे वैसे चलता रहता है, बिना मजाक के जिंदगी काटनी मुश्किल हो जाएगी, तो सुन लो खुद ही। और चलो अभी आज का व्लॉग कर देते हैं पूरा, मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।